और अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां बारिश से बिगड़े हालात पर नेता प्रतिपक्ष का बयान सामने आ चुका है। बारिश से प्रदेश के कई नेशनल हाईवे बंद है, प्रदेश सरकार नहीं दे रही है इस ओर ध्यान। यशपाल आर्य का ये बयान आपको बता रहे हैं, सरकारी मशीनरी लोगों को मदद करने में नाकाम है। नेता प्रतिपक्ष ने ये आरोप लगाए हैं। हल्द्वानी से बड़ी खबर, बारिश से जो हालात पैदा हुए हैं उत्तराखंड में, उसको लेकर उन्होंने सरकार पर हमला किया और कहा कि बारिश से प्रदेश के कई नेशनल हाईवे बंद है, लेकिन रास्तों को खोलने में सरकारी जो तंत्र है, मशीनरी है, वो नाकाम साबित हो रही है। लोगों की मदद करने में नाकाम है सरकारी मशीनरी, और ये बड़ा आरोप लगाया कि सरकार काम नहीं कर रही है, पहले से तैयारी नहीं की गई थी, जिसके बाद इस तरीके के हालात पैदा हुए। बहुत बुरी स्थिति है। सारे चाहे नेशनल हाईवे हों, राष्ट्रीय राजमार्ग हों, चाहे स्टेट हाईवे हों, राज्य मार्ग हों, सब पूरी तरह बंद है। कुमाऊँ हो या गढ़वाल हो, संपर्क टूट सा गया है। पहाड़ दरक रहे हैं, कई घर जमींदोज हो चुके हैं, पेयजल लाइनें ध्वस्त हैं, बिजली की लाइनें ध्वस्त हैं, सड़कें बंद हैं और लोगों को इमदाद नहीं मिल पा रही है, रोजमर्रा की वस्तुएं नहीं मिल पा रही हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।